हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद गिरसा। मैं पूनम और आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल पनीर स्टफ चिल्ला। बहुत ही आसान सी और क्विक रेसिपी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या डिनर में, और झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए स्वादिष्ट और टेस्टी मूंग दाल पनीर स्टफ चिल्ला की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। भरवा मूंग दाल पनीर चिल्ला बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप मूंग की दाल। तो हमने 1 कप लिया है बिना छिलके वाली मूंग की दाल, और हम इसे 2 बार अच्छे तरीके से पानी से धो लेंगे। तो हाथों से रगड़ते हुए अच्छी तरीके से मल मल के 2 बार आप दाल को धो लें। धोना बहुत ज़रूरी है। तो दाल को अच्छी तरीके से हम धो लेंगे, और उसके बाद हमने लिया है जिस कप से हमने दाल लिया था उसी कप से हम 1 कप लेंगे पोहा, और जिस कप से हमने पोहा और दाल लिया था उसी कप से नाप करके हम डालेंगे 2 कप पानी। तो अच्छे तरीके से पोहा और दाल पानी में भीगा हुआ होना चाहिए। अच्छे तरीके से सबको मिला दें, और अभी हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। दाल को ढक कर के रख दें 2 घंटे के लिए, अच्छे तरीके से फूल जाए। तब तक हम एक चटनी बनाएंगे बहुत क्विक और टेस्टी। तो हमने लिया है 2 चम्मच नारियल का पाउडर, डेसिकेटेड नारियल है ये, और 2 चम्मच हमने लिया है भुनी हुई चने की दाल, और 3 लिया है हरी मिर्ची। नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, 1/2 कप इसमें पानी डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, 8 से 10 कड़ी पत्ता डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और सभी को हम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी को ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही क्विक और टेस्टी चटनी हमारी बन करके तैयार हुई, ये देखिए। तो आप इसी तरीके से पेस्ट अच्छी तरीके से पीस लें चटनी को। और अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नारियल नहीं है तो आप सूखा नारियल ले सकते हैं। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और दाल हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो अभी हम इसे पीसेंगे। तो मिक्सर ग्राइंडर लेंगे हम, जार लेंगे, और 2 बार में इसे पीसेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची। तो टेस्ट के अनुसार आप डालें हरी मिर्ची, हमने 3 लिया है, और 1 इंच अदरक का। और अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, और पानी डाल के हम सबको पीस लेंगे। अच्छे से पेस्ट आप बना लें। तो ये देखिए हमने बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। तो दूसरे बैच को भी जो हमने रखा था दाल के, उसे भी हम पीस लेंगे, और इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए बहुत पतला नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ही थिक होना चाहिए। तो बस बैटर हमारा रेडी है चिल्ले का। तो ये देखिए हमने 1 बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, डाल दिया है। तो दूसरे को भी हम अच्छे से पीस लेंगे, जो बाकी दाल था हमारा, और हमने उसे भी पीस लिया है। दोनों को हम मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और सबको अच्छी तरीके से मिला लें। और अभी हम इधर बनाएंगे अपना भरवा चिल्ला बना रहे हैं। तो इसके लिए लिया है हमने 1 चम्मच तेल, और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियां, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो यहाँ हमने लिया है 1 गाजर, और गाजर को छोटे छोटे पीस में काट लिया है। 1 शिमला मिर्च है। तो दोनों को हम 1 मिनट तक ही बस पकाएंगे, इसी तरीके से लगातार चलाते हुए बस हम पका लेंगे। बहुत इसे गलाना नहीं है, क्रंची होना चाहिए। तो बस 1 मिनट पूरे हो गए हैं, और अभी हम इसमें डालेंगे हरा प्याज। हरा प्याज अगर आपको मिलता है तो ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। प्याज खाना नहीं पसंद करते हैं तो प्याज को ना ऐड करें। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें मिलाएंगे पनीर। 50 ग्राम पनीर को हमने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था। तो हम कद्दूकस किए हुए पनीर को डालेंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखें, और 1 चम्मच हम डालेंगे ओरिगेनो, अगर मिलता है आसानी से तो ज़रूर डालें। नमक स्वाद अनुसार, और 1 लाल मिर्ची को हमने कूट लिया था अच्छी तरीके से, तो उसे भी हम डालेंगे। आप ओरिगेनो की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। अगर आपको ओरिगेनो नहीं मिलता है तो उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बस गैस बंद कर दें, सबको अच्छी तरीके से मिला दें। पनीर डालने के बाद आपको बहुत देर तक नहीं पकाना है। तो बस पनीर डालने के बाद कुछ सेकंड तक हम सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और बस हम इसे निकाल देंगे। तो किसी भी बर्तन में आप भरवा स्टफ को निकाल दें। आप बिना वेजिटेबल के भी बना सकते हैं, या बिना पनीर के भी बना सकते हैं। तो बस अभी हम तवा रखते हैं और अपना चिल्ला बनाएंगे। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए इस तरीके से पानी की छींटे मार के देख लें, तो तवा तैयार है। तो नॉन स्टिक तवा हमने लिया है। चिल्ला बनाने से पहले पेस्ट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, उसके बाद ही तवे पे डालें। तो बहुत पतला नहीं बनाना है, तो हल्का सा बस आप फैला दें इस तरीके से। चिल्ले को बहुत पतला ना करें, और गैस को मीडियम फ्लेम करके पकाएं 2 से 3 मिनट तक।
और 2 से 3 मिनट होने के बाद आप इस तरीके से बटर या ऑयल से आप चारों तरफ इस तरीके से चिल्ले के ऊपर लगा सकते हैं, जो आप खाना पसंद करते हो, बटर या ऑयल जो भी। तो बस 2 से 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और ऊपर से अच्छी तरीके से सेक चुका है, आप ये देख लें। फिर आप कोनों से इस तरीके से करते हुए चिल्ले को पलट लें और ये देखिए इधर बहुत ही अच्छी तरीके से सुनहरा गोल्डन हमारा चिल्ला हुआ है, पक गया है अच्छी तरीके से। तो 2 मिनट तक हम उधर भी पकाएंगे और 2 मिनट पूरा हो जाने के बाद हम चिल्ले को पलट देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से चिल्ला हमारा पका है। तो 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाने के बाद ही चिल्ले को पलटें और साइड से इस तरीके से छुड़ाते हुए आप पलटें। और ये देखिए इधर भी बहुत ही अच्छी तरीके से चिल्ला हमारा हो चुका है। तो दोनों तरफ से आप सेक लें। और अभी हमने जो भरवा स्टफ तैयार किया है पनीर और वेजिटेबल का, तो एक तरफ हम इस तरीके से स्टफ को रखेंगे भरवा पनीर और सब्जी से जो हमने तैयार किया है, और इसके बाद हम दूसरे साइड से एक ही तरफ रख के पूरे में ना फैलाएं और इस तरीके से फिर आप पलट दें। बस हमारा भरवा पनीर चिल्ला बनकर के तैयार है। मूंग की दाल पनीर स्टफ चिल्ला हमारा बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। लोहे की तवे पे भी आप मूंग का चिल्ला बना सकते हैं। पहले आप ऑयल या बटर लगाएं, उसके बाद मूंग की दाल का पेस्ट से आप चिल्ला बनाएं, वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, आसानी से निकल जाएगा। तो बिना नॉनस्टिक तवे के भी आप मूंग की दाल का चिल्ला बना सकते हैं। तो ये हमारी टेस्टी चटनी और मूंग की दाल का स्टफ पनीर का भरवा चिल्ला हमारा बनकर के तैयार है। आप मूंग दाल भरवा चिल्ला सिर्फ वेजिटेबल से भी बना सकते हैं और सिर्फ पनीर से भी। तो जैसा आप खाना चाहें, जैसा आपको पसंद, उस तरीके से आप भरवा मूंग दाल चिल्ला बना करके तैयार करें। मूंग की दाल से बना भरवा पनीर का चिल्ला बनाएं, खाएं और खिलाएं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।